राहुल गांधी अब आया है कानून के फंदे में। बहुत दिनों तक जवाब देने से मुंह चुरा रहा था। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ी पड़ी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की अदालतों में उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा। वहीं राहुल नागरिकता से संबंधित सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि लखनऊ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने के निर्देश दिए। जुलाई 2024 में इसी याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका को कोर्ट ने ये कहकर खारिज किया था कि वे चाहे तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद शिशिर ने दावा किया कि सक्षम प्राधिकारी को दो दो बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन होने पर उन्होंने फिर से याचिका दाखिल की। कर्नाटक के रहने वाले एस विग्नेश ने 12 सितंबर को दायर जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अमेठी से सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम का नागरिक होने का दावा किया। शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने मामले की गहन जांच की और कहा कि उन्हें जो गोपनीय जानकारी मिली है उससे पता चला है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। एस विग्नेश शिशिर ने सीबीआई जांच की मांग के साथ राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग की। बुधवार को सुनवाई के दौरान शिशिर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पूर्व याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दो आवेदन प्रस्तुत किए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। शिशिर ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका वर्तमान ध्यान केवल इस बात पर है कि क्या केंद्र सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में वह क्या निर्णय या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे को इस संबंध में गृह मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करने निर्देश दिए हैं। कोर्ट इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को करेगा और इसी साल अगस्त में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। इस पर कोर्ट आज यानी 26 सितंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय को 5 साल पहले शिकायत दी थी। अभी तक गृह मंत्रालय ने ये साफ नहीं किया कि इस मसले पर उसने क्या फैसला लिया है या कार्रवाई की है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।